दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ रंग बिरंगी चिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यह चिप्स कितनी बढ़िया और कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। रंग बिरंगी चिप्स बनाने के लिए मैंने ली है आलू, जिसको मैंने छील कर अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। उसी के साथ मैंने लिया है 2 फूड कलर, एक रेड है और एक ग्रीन। अब हम लेंगे 2 बर्तन, दोनों बर्तन में डालेंगे पानी। एक में हम डालेंगे रेड फूड कलर, दूसरे में डालेंगे ग्रीन फूड कलर। अब हम इसी में डालेंगे 2-2 चम्मच नमक। कलर और नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अगर एक ही कलर का चिप्स बनाना चाहते हैं तो एक ही कलर में सारे आलूओं को कलर कर लें। अब हम दोनों बर्तनों में आधी आधी आलू को डालेंगे। पानी हमें उतना रखना है जितने की सारी आलू डूबी हुई हो। अब बाकी बची आधी आलू को हम ग्रीन कलर में डालेंगे। अब हम दोनों भगोने में ढक्कन लगाकर लगभग 10 मिनट तक इसको 50% तक उबालेंगे। आलू को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटाकर इसको चेक करेंगे, इसको हम चाकू से चेक करेंगे। आलू लगभग 50% तक पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आलू को भगोने से निकाल कर हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे। अब हम ग्रीन वाली आलू को भी निकाल लेंगे, इसे भी निकाल कर हम ठंडे पानी में डालेंगे। दोनों ही आलूओं को निकाल कर ठंडे पानी में मैंने डाल दिया है। अब हम इसे काटेंगे। आलू की कितनी बढ़िया चिप्स हमारी कटकर तैयार हो रही है। इसी तरह हम सारी चिप्स को काट लेंगे। इसी तरह हम रेड कलर वाली आलू को भी काट लेंगे। चिप्स हमारी कटकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे धूप में सुखाने के लिए डालेंगे। चिप्स को मैंने धूप में सुखाने के लिए डाल दिया है। अब हम इसे दिन भर की धूप में अच्छे से सुखाएंगे। चिप्स हमारी अच्छे से सूख चुकी है। आप देख सकते हैं यह देखने में कितनी बढ़िया और कलरदार चिप्स लग रही हैं। अब मैं आपको चिप्स तलकर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम चिप्स को तलेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया चिप्स हमारी बनकर तैयार हुई है, बढ़िया लग रही है। अब हम दूसरी कलर वाली चिप्स को भी फ्राई करेंगे। तो रंग बिरंगी चिप्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको मेरी चिप्स की यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।